हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम बात करते हैं कुछ रसायन विज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है, जैव शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जैव शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर होगा बर्जीलियस ने जैव शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि जैव शक्ति के सिद्धांत का खंडन किस यौगिक पर हुआ था। जैव शक्ति के सिद्धांत का खंडन किस यौगिक पर हुआ था, इसका आंसर है यूरिया। क्या होगा, यूरिया। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, तो 4 संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की 4 या 4 संयोजकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है गाइस, नेक्स्ट है एल्केन में कार्बन की 2 संयोजकता के बीच कितने अंश का कोण होता है। कह रहा है एल्केन में कार्बन की 2 संयोजकता के बीच कितने अंश का कोण होता है, 109 डिग्री का होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्या कहलाती है। मतलब तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर साबुनीकरण की प्रक्रिया को प्रतिपादित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। निश्चेतक के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। निश्चेतक के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म एक ऐसा केमिकल है जिसको सूंघने से लोग बेहोश हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्लोरोफॉर्म होता है, जो मतलब क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या होता है, आदमी बेहोश हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है बेरोनल किस पदार्थ की औषधि है। तो बेरोनल जो होता है गाइस, वो क्या है, वो निंद्रा रोगी है। मतलब कि जिसे सूंघने से नींद काफ़ी मात्रा में आने लगती है, तो इसका आंसर होगा निद्राकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही में चमक लाने और बहने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं। गाइस जैसा कि पेन है, पेन में जो स्याही भरा होता है पेन के रिफिल में, तो उसे चमक लाने और ना बहने के से रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, तो गोंद का प्रयोग करते हैं। किसका, गोंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है साबुन बनाने में तेल के साथ क्या मिलाते हैं। साबुन बनाने में तेल के साथ कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। कास्टिक सोडा तेल और सॉरी साबुन बनाने में कास्टिक सोडा की मदद ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, नेक्स्ट है हमारा शुद्ध क्लोरोफॉर्म का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। शुद्ध क्लोरोफॉर्म का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ओरिजिनल क्लोरोफॉर्म का यूज करें तो हमारे हार्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए जो हम क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं सिर्फ उससे सूंघने से हम बेहोश हो सकते हैं, लेकिन हमारे किसी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा साबुन किस वर्ग का यौगिक है। साबुन किस वर्ग का यौगिक है, तो साबुन जो हमारा है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, सल्फा पायरिन औषधि। कह रहा है कि सल्फा पायरिडीन औषधि का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है। तो सल्फा पायरिडीन का उपयोग निमोनिया रोग के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नायलॉन बनाने में कौन सा कच्चा पदार्थ मिलाते हैं। नायलॉन मिलाने में कौन सा कच्चा पदार्थ मिलाया जाता है, इसका आंसर होगा एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल नायलॉन बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हजामत। हजामत बनाने में साबुन को सुखाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रिस्लॉल को। मतलब कि साबुन को सुखाने के लिए हम ग्रिस्लॉल का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारा आज का क्वेश्चन इतना ही है। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें साबुन से रिलेटेड है कि साबुन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, साबुन किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इन्हें सुखाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो गाइस ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको जानकारी होनी भी चाहिए क्योंकि जिस चीज़ का यूज हम करते हैं उस चीज़ के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके।